हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर प्रदीप सर की जो पूरी टीम है वो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप पर रह सके। आज हमारे 10th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक है वो दोस्तों काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं वो दोस्तों चार टाइप के होते हैं। क्या तो आपका असर्टिव, दूसरा होता है इंपेरेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। अब असर्टिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अब असर्टिव मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम कोई फैक्ट वाला सेंटेंस होता है या फिर कोई मीनिंग वाला सेंटेंस होता है तो उसमें बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव भी असर्टिव को ही बोला, जैसे कोई चीज डिक्लेयर कर दी तो वो भी क्या होगा, एक तरह का एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इंपेरेटिव में हम लोग बोलते हैं ना कि रिक्वेस्ट करना, सजेशन देना, ऑर्डर देना, जैसे टीचर बोलती कम हियर तो ये क्या होगा, ऑर्डर हो गया, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया? जैसे मुझे पेंसिल चाहिए तो मैं कैसे बोलूंगा, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, तो मैं क्या बोलूँ, रिक्वेस्ट करो, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। सजेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं कि अगर आप ऐसे ना होकर के अगर ऐसे करोगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो ये मेरा सजेशन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका इंपेरेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब कल आप लोग कहाँ थे, कल आप स्कूल क्यों नहीं आए, Where were you? समझ में, what is your name? तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। मतलब जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या होता है, जब भी एक सडन इमोशन होगा तो आपको क्या करना है, एक सडन इमोशन होगा या फिर जो एक्सप्रेस किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी। अब या फिर इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस देखो, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, फैक्ट है। हाँ भाई, सन जो होता है ईस्ट से राइज करता है, तो ये अगर आया आपको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप क्या बोल सकते हो, ये असर्टिव सेंटेंस है। आई एम अ बॉय, हाँ मैं लड़का हूँ, तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस है। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या था, ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन जब भी आएगा तो क्या होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो, प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, क्या प्लीज क्या मेरी अपोलॉजी यानी जो मेरी माफी हो आप क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर आज की शाम फॉर द रेसिपी, शाम से क्या उसकी रेसिपी के बारे में क्या पूछो, तो ये क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव में क्या, अगर क्वेश्चन मार्क करा तो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर उसके बाद डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो समझ आना कि आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, छोटा आई देखा है, छोटा आई इस तरह से होता है, क्या होता है, छोटा आई इस तरह से। अब छोटा आई को जब मैं उल्टा घुमा दूं तो ये कुछ इस तरह से, जब भी उल्टा आई दिखे तो समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखो उल्टा है तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अल्लास ही डाइड, तो यहाँ पे क्या, एक इमोशन, सडन इमोशन क्या किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी, और सडन इमोशन क्या किया, एक्सप्रेस। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब कभी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी आया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, अगर क्या होगा, अगर क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, फिर अगर कहीं ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट या फिर सजेशन दिया तो इंपेरेटिव, या फिर कोई फैक्ट वाली फुल चीजें बोली जा रही या फिर डिक्लेयर किया जा रहा है कोई चीज, तो असर्टिव सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों किसका इंतजार है, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और लगातार अपनी पढ़ाई जो है बरकरार रखिएगा हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। और एजुकेशन लेटेस्ट अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो हमारा जो प्रदीप गिरी अपडेट, एक हमारा अपडेट वाला चैनल, उसे सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप लोग।